आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं, ट्राइंगल्स। तो आपको काफी अच्छे से मालूम है ट्राइंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल्स इज अ थ्री साइडेड क्लॉस पॉलीगॉन, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए ट्राइंगल्स, मानो कि ये पी क्यू आर। ट्राइंगल्स का तीनों कोना के मिला के आपका कितना होता है? 180 भी होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स का, 180 डिग्री। तो ये कोना, ये कोना, ये कोना, दैट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये मिल गया होगा आपका 180। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल्स। ये था ट्राइंगल टाइप से सीखा था, है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स तीन भाग में बांटा गया है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को। सबसे पहले है आपका स्केलेन ट्राइंगल, या यू कैन से या इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? जो तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है, मानो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये तीनों साइड इक्वल है और इवन की तीनों एंगल भी इक्वल है। मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। नेक्स्ट आपका आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस बोले तो उसका दो साइड इक्वल है और दो एंगल भी इक्वल है, मानो कि यहाँ पे ए बी सी, सिर्फ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है और साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी है। आई हैव दिस क्लियर, राइट। और तीसरा जो एंगल है उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या कहते हैं? स्केलन ट्राइंगल। ऐसे देखे, ऐसे ऐसे किसी भी एक साइड इक्वल नहीं है किसी और से, मतलब कुछ भी साइड इक्वल नहीं है, कुछ भी एंगल भी इक्वल नहीं है इसमें। तो दैट मीन्स आई कैन से एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट नॉट इक्वल टू एंगल सी, और आपका ए बी भी इक्वल नहीं है बी सी का, बी सी भी इक्वल नहीं है सी ए का। आई होप द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्लियर, ठीक है ना। जैसे तीन टाइप का होता है इक्विलेटरल, जैसे तीन साइड तीन कोना इक्वल होता है। आइसोस्केल जैसे दो साइड दो एंगल इक्वल होता है, और स्केल इसको नाम है स्केलन ट्राइंगल, एस सी एल एन स्केलन ट्राइंगल, जिसका किसी भी साइड किसी भी एंगल इक्वल नहीं होता, उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। चलो ये खैर छोड़ो, हम लोग ये चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? हम लोग ये चैप्टर में कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के बारे में सीखने वाले हैं, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। तो ये चैप्टर का नाम ट्राइंगल नहीं होना चाहिए था, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था कॉन्ग्रेंट, सी एन जी आर यू एन टी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये था आपका बेस्ट नेम। सेम थिंग आपका क्लास 10 में चैप्टर 6 में मिलेगा आपको, सिमिलर ट्राइंगल्स वाले चैप्टर मिलेगा आपको। सबसे पहले ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है, कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल फिगर लोगों को हम लोग कॉन्ग्रेंस फिगर कहते हैं। एग्जैक्टली इक्वल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंस फिगर। एग्जैक्टली इक्वल, हुबहू सेम सेम, हुबहू सेम। अभी देखो, देखिए ना, मानो कि हुबहू सेम, जैसे क्या मान लो, मानो वो एक और एक स्प्राइट को बदल दो, स्प्राइट को बदल दो, फटाफट दो, फास्ट क्विक। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मेरे पास दो फिगर है, एक दो सब्जेक्ट है, क्या ये एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम। इसका हर एक कोना, हर एक हाइट, हर एक एंगल, इसका कलर, हर एक चीज सेम है, एग्जैक्टली सेम। हम किसी को भी मिला देगा, आप नहीं बोल सकते कि ये है ये बी है, एग्जैक्टली सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है आपस में? कॉन्ग्रेंस फिगर है ये। कॉन्ग्रेंस फिगर का क्या होता है? हर एक साइड, हर एक एंगल बराबर हो गई। समझ में आया ना बात? जो ये बोलना था आपको, ठीक है ना। अब दो पेन ले लो सेम कंपनी का, दो कोई भी पढ़ो, दो दो पढ़ो, दो तुम्हारा पेन फर्स्ट। सुन, इतने लेजी कैसे आप लोग? सॉरी, ये दो पेन देखो, कलर अलग है लेकिन इसका एंगल, शेप, साइज, हाइट सब कुछ सेम है। तो इतना कॉन्ग्रेंस, इतना क्या है? कॉन्ग्रेंस फिगर।
लगा समझ में आया आपको? ये था कांग्रेस का मीनिंग, मतलब हुबहू सेम, एग्जैक्टली सेम, जिसका आर एक कोना आर एक साइड इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कांग्रेस फिगर। ये था मेरा बोलने का मकसद, आई होप दैट्स क्लियर। चलो उठा लेना। हाँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग कांग्रेस तो बहुत हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो दो सर्कल टपका हो, दो सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ए भी 2 सेंटीमीटर है, ये सर्कल वन है, ये सर्कल टू है, क्या इसे सर्कल वन है सर्कल टू का कॉन्ग्रेंस है? हाँ एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ये कॉन्ग्रेंस है, कांग्रेस का फिगर ये है। सिंबल कैसा, सिंबल कांग्रेंस का सिंबल हम लोग कैसे देखते हैं, इक्वल देके ऊपर में ऐसा ऐसा सांप बना देते हैं ऐसा है। तो इसका नाम है कांग्रेस का सिंबल है, कांग्रेस का सिंबल। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे एक सर्कल है छोटा और एक बड़ा सर्कल है, क्या एग्जैक्टली सेम है? एग्जैक्टली सेम है, दिखने में सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, दिखने में सेम अगर होगा उसे कहते हैं हम सिमिलर, और सिमिलर का जो सिंबल है ना होगा ऐसा देते हैं हम लोग ऐसे, सर्कल वन सर्कल टू, मैंने दो स्क्वायर, दो स्क्वायर आपका एकदम मतलब साइज में सेम, हाइट में सेम, इसका लेंथ ब्रेथ सब सेम है, मैंने इसका नाम किया ए बी सी डी, यहाँ पे पी क्यू आर एस। तो ये दोनों जो स्क्वायर है ना भाई, ये दोनों कॉन्ग्रेंस है, क्योंकि इसका हर एक साइड इक्वल है उसका, और हर एक एंगल भी इक्वल है, ठीक है ना? तो वही है चीज, तो यही है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंस है। वाई ये दोनों कॉन्ग्रेंस क्यों है? क्योंकि इट्स ऑल साइड आर इक्वल एन ऑल एंगल्स आर इक्वल, कैसा लगा बच्चों? तो ये था ठीक है ना? तो अगर ऐसा होगा एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर क्या होगा, ये देखने में सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, सिमिलर। चलो हम लोग सिमिलर के बारे में कब पढ़ेगा, क्लास 10 में कब पढ़ेगा हम लोग? चलो लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कॉन्ग्रेंस कौन सा फिगर के बारे में पढ़ने वाला है, सिर्फ ट्राइंगल बारे पढ़ना है, सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग, कॉन्ग्रेंस फिगर सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ाई करना है। तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन ट्राइंगल्स, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन ट्राइंगल। तो देखो कब दो ट्राइंगल सिमिलर होगा, एक ट्राइंगल है या एक ट्राइंगल है, मैंने कि इसका नाम ए बी सी है, इसका नाम आपका क्या है पी क्यू आर है, आपको बोला वेन वेन दिस टू ट्राइंगल विल बी, ये दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होगा? तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होने का इसका पांच रूल है, क्या क्या रूल है, पांच रूल है। तो टू ए कॉन्ग्रेंट फिगर इफ एनी ऑफ द रूल सेटिस्फाई, देन इट इज अ कॉन्ग्रेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला रूल है आपका साइड एंगल साइड, सबसे पहला जो रूल है ना वो क्या है आपका साइड एंगल साइड, दूसरा जो रूल है एंगल साइड एंगल, तीसरा जो रूल है वो एंगल एंगल साइड, चौथा जो रूल है वो साइड साइड साइड, और जो पांचवा रूल है वो आरएचएस, आरएचएस बोले तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, RIGHT राइट हाइपोटेनस, मतलब इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक साइड होना चाहिए, तब जाके ये दोनों कांग्रेस होगा ठीक है ना? तो ये पांच रूल आपको दिमाग में पूरा गाड़ दो,
ताकि आप ना भूलें। तो ये पांच रूल मेन मेन फॉर्मूलाज है जिससे आप किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पार्ट को मिटा कर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल है, आपके पास दो ट्राइंगल है ऐसे, नाम वो ये मानो कि ये ए बी सी है और ये मानो कि पी क्यू आर है। आपको बोला है कि ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये आपका 4 मीटर है, ये भी आपका 4 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर है। आपको बोला है कि इस ट्राइंगल ए बी सी कॉर्नर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पूछा गया आपको। ए बी सी और पी क्यू आर क्या कॉन्ग्रेंस है, और है तो कौन सा रूल में लागू है तो कौन सा रूल? और है, आप देखो ना, ये ए बी साइड पी क्यू का बराबर हो रहा है, सॉरी ए क्यू आर का बराबर हो रहा है, नहीं सॉरी पी आर का बराबर हो रहा है कि ए बी और पी क्यू बराबर है? ए बी फोर, ए बी फोर, ये एंगल इसके बराबर है, और फिर ए सी साइड जो पी क्यू का बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंस है। कौन सा रूल से? ये पहला रूल से, एक साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड, मतलब साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया। लेकिन ये बात कंटिन्यू होना पड़ेगा, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि ये साइड है फिर एंगल यहाँ पे, साइड यहाँ पे, साइड है फिर एंगल यहाँ पे, साइड इस तरफ है, नहीं होगा। ये रूल लोगों को कंटिन्यू होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यू, तभी जाके ये वैलिड होगा, उल्टा पुल्टा नहीं नहीं होगा। लेकिन ये बात ध्यान ध्यान देना, तो उसको कैसे लिखना होगा, तरीका क्या लिखने का, कांग्रेस प्रूव करने का तरीका क्या है, तरीका को समझो, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखो कि ये चीज़ है ना, आप लिखो कि ए बी जो इस ट्राइंगल का ए बी, उसका आपका पी क्यू का बराबर है, पी आर का बराबर है, ये एंगल ए उसका एंगल आर का बराबर है, इसका एंगल ए सी उसका क्यू आर का बराबर है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल है भाई साहब? बाय साइड एंगल साइड रूल। कैसे लगा? ओके, वेरी गुड, इफ यू अंडरस्टूड, वेरी गुड, एकदम बहुत बढ़िया चमका। अभी बात ये है कि सर, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसका हर एक साइड और हर एक कॉर्नर एक दूसरे से क्या होगा? बराबर होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस प्रूव कर लिया। तो कहना इसे कि एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हाँ, हर एक कॉर्नर हर एक साइड इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ऑब्वियसली। तो हम लोग इजिली आई कैन से दैट सर, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यू बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग 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 पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल इज द फुल फॉर्म सीपीसीटी। इसका मतलब है सीपीसीटी, एग्जांपल दो बच्चे इधर आओ, देखा देते हैं, जल्दी आओ, उड़ गया जल्दी, फास्ट क्विक, थोड़ा देख के आना चाहिए, भगवान इसलिए आग दिया। दो दो मानो कि मेरे पास दो फिगर है ना, एक फिगर का नाम जो भी हो, फिगर वन फिगर टू, मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों फिगर इक्वल है, इन दोनों फिगर कॉन्ग्रेंस है। क्या बोला मैंने? इन दोनों फिगर कॉन्ग्रेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका हाथ, अभी इसका हाथ, ये हाथ बराबर होगा है कि नहीं? इसका नाक बराबर होगा, इसका कान बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पूरा फिगर एक दूसरे से क्या है? कॉन्ग्रेंस है। इसका मतलब क्या? ये दोनों कॉन्ग्रेंस, मतलब क्या? ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है दोनों। अगर एग्जैक्टली इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका हर एक बॉडी पार्ट्स के, हर एक बॉडी पार्ट्स के बराबर होगा कि नहीं? बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी, मतलब कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंस पार्ट, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया, तो इसका हर एक पार्ट भी कॉन्ग्रेंस होगा ना, है कि नहीं? इसका कान कॉन्ग्रेंस है, इसका नाक कॉन्ग्रेंस है, इसका आंख कॉन्ग्रेंस है, चूल इसका चूल कॉन्ग्रेंस है, इसका पेट कॉन्ग्रेंस है, इसका ये हाथ कॉन्ग्रेंस होगा, इसका हाथ का उंगली, इसका हाथ का उंगली बराबर होगा अभी, है सिंपलिसिटी। ये मिडिल फिंगर कॉन्ग्रेंस सिंपलिसिटी, ये रिंग फिंगर सिंपलिसिटी, इसका पैर, इसका पैर, इसका
वो चले चले ना, समझ गया होगा रही ना, नीचे का नहीं नहीं चलो कोई किसरा ठीक है ना बड़ा यो ठीक है। तो इसका मतलब है सीबीसीडी, मतलब दो ट्रायंगल से अगर कांग्रेस हो गया, इसका भी इसका हर एक पार्ट, इसका हर एक एंगल बराबर होना ही है भाई। लेकिन इसी को बोलते हैं हम लोग सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। कैसे लगा, समझ में आया ना आप लोग को? बढ़िया से। तो वही है, किसी भी एक रूल में आना चाहिए। चलो हम और क्वेश्चन देते हैं आपको, और बेहतर बेहतर फील होने के लिए। चलो अभी देखो, आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, ये ट्रायंगल मानो, ये नया मानो। आपको बोला है कि ये एंगल 40 है, ये एंगल भी आपका 40 है, ये एंगल आपका 60 है, ये एंगल भी आपका 60 है, ये साइड आपका 7 मीटर है, ये साइड भी आपका 7 मीटर है। बताओ क्या ये कॉन्ग्रेंस है? हाँ ये भी कॉन्ग्रेंस होगा। कौन सा रूल है? देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड वो भी रूल में आता है कि नहीं? वो भी रूल में आता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। समझ में बात जो ना, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर टू एंगल पी, एंगल ए बराबर टू एंगल आर, साइड ए सी क्यू आर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेस टू पी क्यू आर बाय व्हाट रूल? बाय एंगल एंगल। हाउ यू फील, क्लियर हो गया ना? बढ़िया से। अभी अगर दो ट्राइंगल अगर कांग्रेस प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका आर एक कोना, इसका आर एक कोने का साथ बराबर होगा। बोले तो अभी ये बी सी और क्यू आर बराबर होगा। आई कैन से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू बाय बाय सी पी, सी टी सी पी। इवन क्या हमने बोल सकते एंगल सी बी एंगल क्यू का बराबर होगा। अभी एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू बाय वाट? सी पी सी टी। अब सी बी सी टी कहीं समझ में आए कि नहीं? एक बार कांग्रेस प्रूव करने के बाद हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं बिना देखे कि भाई एक दोनों एक इस दोनों का आपस का हर एक एंगल, हर एक साइड एक दूसरे से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस प्रूव हो चुका है भाई साहब। समझ में आया बात? जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। आई होप दैट्स वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू हियर। ठीक है, अच्छा लगा। चलो अगर समझ में आया तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर भागते हैं और समझते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको और भी अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है ना? बस।